देश की मान और सम्मान इस देश का किसान और जवान है। ये अग्निपथ योजना जो लागू की है सरकार ने, ये वास्तव में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जवान अपने हक के लिए, अपने न्याय संगत हक के लिए सड़कों पे, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। देश के लिए जो जज्बा है वो हमेशा ताउम्र बना रहना चाहिए। फरवरी 2023 से हमारे पूर्व सैनिकों ने, गौरव सेनानियों ने यहाँ पर अपने विभिन्न मांगों के लिए, विशेष तौर से ORP में जो विसंगतियाँ हैं, ORP 2 में उनमें सुधार के लिए, और जवानों और अफसरों के बीच में जो ORP 2 और सेवन पे कमीशन में जो विसंगतियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हम करीब 2 महीने से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जो हमारे देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद 1962, 65, 71 और 99 के युद्धों में जो शहीद हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज जवान अपने हक के लिए, अपने न्याय संगत हक के लिए सड़कों पे हैं। इससे हमारे सेनाओं में जो जवान हैं और जो नौजवान अभी भर्ती हो रहे हैं उनके मनोबल में गिरावट आती है। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। सरकार को 60 दिन के करीब होने जा रहे हैं, उनको यहाँ पर अभी तक किसी भी सरकार के प्रतिनिधि ने हमारे दुख दर्द के लिए यहाँ कोई संपर्क नहीं किया है। पूरे देश के जितने भी हमारे सैनिकों के संगठन हैं वो सभी इस आंदोलन में सीधे रूप से शरीक हैं, वो हर तरह से सहायता दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिस देश की जवान शहीद होती है और वो अपने अगर हक हकूक के लिए सड़कों पर आए तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं आपसे, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी एवं राष्ट्रपति महोदय, आप इन सैनिक भाइयों की जो कठिनाइयाँ हैं, जो ORP 2 में और सेवन पे कमीशन में जो विसंगतियाँ हैं वो दूर करनी चाहिए। ये हमारा न्यायोचित हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज मांगे नहीं है। नौजवान जब 18 साल का सेना में जाता है और वो अपनी सर्विस 30 और 40 के बीच में छोड़कर वापस आता है तो उसके रीसेटलमेंट के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार के कागजों में हैं, लेकिन जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो यहाँ पर उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेना में जो विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट कोर्सेज कराए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में मान्यता नहीं होती है। अतः जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कोर्सेज हमारे सैनिक भाई करते हैं 18 साल, 20 साल और 25 साल तक, इससे ज़्यादा भी सेवा में जो उनका अनुभव होता है, वो रिटायरमेंट के बाद में उनको रिसेटलमेंट के लिए सर्विस नहीं मिलती है। मैं निवेदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से हमारे देश के पूरे सैनिक, जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करे सरकार। और पेमेंट के अभी ORP 2 उन्होंने लागू किए, वो 2019 में होनी चाहिए थी, उसके लिए भी सैनिक भाइयों को कोर्ट में जाना पड़ा। ये शर्म की बात है, कोर्ट के निर्देश के बाद ORP 2 लागू हुआ है। ये सैनिकों का जो मुद्दा है, ये किसान के बेटे हैं, वो देश के लिए जान दे देते हैं, न्योछावर हो जाते हैं, अपने आप को बलिदान शहीद कर देते हैं, उनके साथ ये करना देश के सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। देश की मान और सम्मान इस देश का किसान और जवान है। अतः इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी भाई आ रहे हैं, बड़े अनुशासन से और सरकार से निवेदन करते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए। हमारे सैनिक भाई रिटायर होने के बाद में जो भी सरकार वैकेंसियां निकालती है उनको आरक्षण दे रखा, आज बहुत सी सरकारों ने उस आरक्षण को जातियों के नाम में बांट दिया है।
वो एक जातिवाद फैलाना सरकार में ये ओचिया हीन भावना का प्रतीक है। हमारे सैनिकों को मत बांटिए, ये देश के लिए एक नागरिक के रूप में, एक अच्छे सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे के आए हैं और उनमें देश के लिए जो जज्बा है वो हमेशा ताउम्र बना रहना चाहिए। अतः हमें जो आरक्षण मिला है 12.5% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको जातिगत आधार पर न बांटकर हमें समुचित रूप से एक मुठ से 12.5% सभी सैनिकों को समान रूप से दिया जाए। दूसरा, राज्य सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार भी अनुकंपा नियुक्तियां देती है, हमारे शहीद भाई जो शहीद हो जाते हैं उनको भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दे, इससे हमारे सैनिक भाइयों को उनके परिवार को संबल मिलेगा। दूसरी बात, अभी जो 2 साल पहले ही एक गौरव ये अग्निपथ योजना जो लागू की है सरकार ने, ये वास्तव में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्यों? क्योंकि जो जवान भारतीय सेना में भर्ती होता है वो देश की सेवा करने के लिए और देश की आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर वो शहीद भी हो गया तो उसके परिवार के लिए केंद्र सरकार ताउम्र उनके बच्चों के लिए एक टोकन मनी के रूप में पेंशन देती रहेगी ताकि उनका गुजारा भत्ता चलता रहेगा। लेकिन 4 साल वाली अग्निपथ योजना में ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उन बच्चों का भविष्य 4 साल के बाद में अंधकार में रहेगा। क्यों? वो अपने गोल्डन एरा ऑफ लाइफ 18 से 24 साल तक जो आज हमारे जवानों का स्वर्णिम काल होता है उनकी जिंदगी का, वो 4 साल में हो जाते हैं, वो उसके बाद में राह से भटक जाएंगे। और सरकार कह रही है उनको सेवा, ये मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें हम नियुक्त करेंगे। हमें ऐसा लग रहा है सरकार की जो निजी नीतियां हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे CISF BSF और जो रेलवे सुरक्षा हैं वो उनको होगा निजी सुरक्षा में हाथों में चले जाएंगे। वो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं उनका निजीकरण हो रहा है। आज अनेक हवाई अड्डे निजी हाथों में दे दिए गए हैं, तो वो हमारे सरकारी व्यक्तियों को वहाँ सुरक्षा में नहीं रखेंगे, वो अपने हिसाब से भर्ती लेंगे। इसलिए ये जो 4 साल की जो योजना है अग्निपथ वाली, अग्निवीरवाजी, ये देश की सुरक्षा के लिए और किसान और जवानों के लिए भी ठीक नहीं है, इसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे।